हेलो गुड मॉर्निंग। सो आज है फ्राइडे एंड अभी बज रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट 4:45। सो हम जा रहे हैं एक फैमिली वेकेशन में, दैट इज पॉन्डिचेरी। सो हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए, एंड अभी किड्स सो रहे हैं तो उनको हम लोग सोते हुए हालत में लेके जाएंगे, जितना हो सकता कवर करेंगे। सो अभी लगेज लोड करके फिर फटाफट निकल जाएंगे, हार्डली 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो चलो ऑन द वे मैं आपको बताती हूँ और भी क्या क्या अपडेट्स है, मैं ऑन द वे देखती हूँ। ये लोड हो चुका है और भी सामान है। रास्ता बिल्कुल खाली, पूरा एम्प्टी है ऑल एम्प्टी। थोड़े बहुत बहुत कैब्स और गाड़ी आ रहे हैं, बस ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी एक दो चीज़ें हैं वो हम लोग साथ में ले लेंगे। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5:10 एंड हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी होके वाया होसूर कृष्णागिरी वेलूर होके जाएंगे। सो ऑन द वे हम लोग सनराइज देखने के लिए रुक गए। सो ये सब देखते देखते हम लोग को थोड़ा सा, हम लोगों ने जितना टाइम सोचा था उससे थोड़ा डिले हो गया पौंडीचेरी पहुंचने में। इस बार हम लोगों ने होम स्टे बुक किया है। सो एज पर जो हम लोगों ने देखा उस हिसाब से इट्स क्लोज बाई टू द बीच, तो अभी वहाँ जाके देखेंगे कि कितना क्लोज बाई है। आई थिंक बीच इज ऑलमोस्ट लाइक 50 meters अवे फ्रॉम द होम स्टे। हाँ, सो काफी क्लोज बाई ही होगा बीच, वॉकेबल डिस्टेंस। सो इस बार हाँ, दिस इज द सेकेंड टोल। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम किड्स के लिए कि वो लोग बीच एक्सपीरियंस होगा, एंड हम हमारे लिए पौंडीचेरी दिस इज द फोर्थ टाइम दैट वी आर गोइंग टू पौंडीचेरी, बट इस बार जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ। फ्लास हैं लगा लगा इधर दर्जा खोल अम्मा। नमस्ते आंटी, कितना? 30। हाँ, और वो नहीं हो दूसरा? अच्छा, ओके। थैंक यू। सो फ्लावर्स खरीद लिए, अभी पापा को फ्लावर्स लगा देंगे। ये है सेकंड टोल। सो हम लोग अभी कृष्णागिरी क्रॉस कर रहे हैं। सो बैंगलोर से पौंडीचेरी इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 315 to 320 किलोमीटर्स, जो रूट हम लोग ले रहे हैं उस हिसाब से इट्स 315 to 320 किलोमीटर्स। सो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 81 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिया। सो एज पर गूगल मैप इट इज शोइंग अस 3 hours and 15 minutes में पहुँच जाएंगे। सो बाई 11:15 तक पहुँच जाएंगे। सो 81 किलोमीटर्स ऑलरेडी क्रॉस कर दिया हमने, इट्स 7:13 नाउ, एंड गूगल मैप के हिसाब से इट इज शोइंग कि हम 11:14 तक पहुंच जाएंगे, 3 hours and 57 minutes। बट एनीवेज एक घंटा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि अभी तक ब्रेक्स नहीं लिया हमने, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो उनको उठने के बाद फिर हम लोग ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक एक घंटा। नंबर टू उठ गया। वेट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सो इसके पहले पौंडीचेरी जब हम लोग गए थे, हम लोग फ्रेंड्स के साथ गए, जगन के फैमिली के साथ गए,
इस बार फाइनली मेरे फैमिली के साथ जा रहे हैं। सबसे एक्साइटिंग है कि किड्स के लिए फर्स्ट टाइम है बीच एक्सपीरियंस, तो मुझे बस देखना है कि क्या कैसे एक्साइटेड होते हैं वो लोग। टॉयज वॉयज बॉल्स ये सब ले लिए हैं उनके लिए, तो देखेंगे कितने एक्साइटेड है। अभी तो फिलहाल अपना नींद एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी हम लोग अपने ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे। सो ये साई संगीत रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे पहले भी जब हम लोग पौंडीचेरी आए थे तो वी टुक अ ब्रेक हियर फॉर लंच और ब्रेकफास्ट। सो इस बार भी हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर कि इसके बाद कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे या नहीं। एंड ये काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाने के भी अच्छे ऑप्शंस है, वॉशरूम्स आर हाइजीनिक, सो वॉशरूम ब्रेक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट इस रेस्टोरेंट में ही आपको एक शॉपिंग एरिया भी मिलेगी जहाँ पे काफ़ी अच्छे सोवेनियर प्रोडक्ट्स, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स ये सब मिलेंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टॉप। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। एंड क्यूज है हमारा यहाँ पे, सो इट्स जस्ट थोड़ा सा क्राउडेड है। तो 10 मिनट्स का क्यू में थे हम लोग, सो उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स विल कॉल यू, एंड एग्जैक्टली 10 मिनट्स में ही उन्होंने कॉल किया। सो इट डजंट टेक मच टाइम, क्यू वेटिंग आवर्स आर वेटिंग टाइम इज नॉट मच। सो फूड इज सर्व्ड। सो हमने यहाँ पे कप केक्स लिए किड्स के लिए, एंड हमने डोसा लिया, पूरी लिया, विच वॉज गुड, टेस्टी था। इनफैक्ट द मेन थिंग इज हाइजीनिक है, बहुत क्लीन है। एंड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग मम्मी और मैं थोड़ा शॉपिंग एरिया में हम लोग फटाफट से 5-10 मिनट्स के लिए विजिट करके आ गए। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट्स एंड वॉचेस एंड बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं। सो मैंने यहाँ से इस टाइप का एक वॉच एंड एक छोटा सा ब्रेसलेट ख़रीदा है जस्ट एज अ पौंडीचेरी ट्रिप के मेमोरी के लिए। इसके पहले भी मैं जब साई संगीत आई थी तभी मैंने कुछ हैंडक्राफ्टेड कुछ सामान ख़रीदा था। सो इस बार भी मैंने कुछ ले लिया। सो रेस्टोरेंट से हम लोग निकल गए हैं। सो नाउ ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं एंड रिमेनिंग 207 किलोमीटर्स है विच विल टेक अराउंड 4 आवर्स। सो NH4 में है, सो मोस्टली शायद 4.5 आवर्स में पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग ने सोचा कि अभी कुछ और ब्रेक्स नहीं लेंगे, डायरेक्टली नॉन स्टॉप जाएंगे, लेकिन पता नहीं कितना होगा। बट हाँ, रेस्टोरेंट का ये वाला, इसका खाना फूड अच्छा है। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने डोसा, पूरी एंड इडली, फिर कपकेक्स लिए, सो एवरीथिंग वाज गुड। कॉफ़ी भी अच्छा था एंड हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है। एंड शॉपिंग के लिए भी एक अच्छा सा प्लेस है, वो भी आप कर सकते हो आराम से। एंड वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे से, वॉशरूम्स भी मेंटेन किया हुआ है। इसके पहले भी मैं जब पौंडीचेरी गई थी तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था, 2 बार हम लोगों ने यहीं पे स्टॉप किया। सो यहाँ का वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अच्छा है। लेकिन इस बार हम लोगों ने यहाँ पे क्यूज देखा तो 10 मिनट्स लगता है, ज़्यादा कुछ क्यू टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं है। 10 मिनट्स में हो जाता है, सीट्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो पौंडीचेरी ये रूट में आपको ये रेस्टोरेंट आप ट्राई कर सकते हो। सो मैंने साई संगीत से ये वाला एक वॉच ख़रीदा है, ये ऑलमोस्ट ब्रेसलेट काइंड ऑफ वॉच है। एंड इसके साथ मैंने ये वाला एक येलो कलर का एक ब्रेसलेट दिया है जो कि काफ़ी क्यूट है। सो दोनों ही काफ़ी क्यूट प्रोडक्ट्स हैं। सो एज अ मेमोरी मैंने ये दोनों क्यूट से दोनों प्रोडक्ट्स ले लिए। इस रोड में सारे टैमरिन ट्रीज हैं, सारे मैक्सिमम सारे टैमरिन ट्रीज हैं, सारे बैक टू बैक टैमरिन ट्रीज एक लाइन से रोड के साइड में, और हर एक ट्रीज में इन्होंने नंबर लिख के रखा है। एंड यहाँ पे बहुत लोग खड़े होके इमली भी नीचे से इमली उठा रहे हैं।
सो अभी हम लोग 278 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी 80 किलोमीटर्स रिमेनिंग है. सो टाइम अभी दिखा रहा है एज पर गूगल मैप इज 1 hour and 10 minutes. सो 2 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन पता नहीं इधर 2 बजे तक पहुँचेंगे या नहीं, क्योंकि गूगल में हर एक टाइम पे कुछ ही यूटर्न्स दिखा रहे हैं. तो हम लोग को इनिशियल टाइम था 11:04 को पहुँचेंगे, बट अभी तक डिले करके इट्स ऑलमोस्ट 2 PM तक पहुँचेंगे. लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं. बट रोड्स एनीवेज काफ़ी स्मूथ रोड्स है, सीनिक रोड्स है, बीच बीच में विलेजेस भी हैं, बट वो भी काफ़ी रोड्स अच्छे हैं. अभी तक मुझे ऐसा कुछ ख़राब रोड्स नहीं मिले, तो रोड्स काफ़ी सीनिक है. एंड रेस्टोरेंट्स ये सब पहले उतने ज़्यादा नहीं थे, बट इस बार जो मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट यू हैव कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स वेयर एटलीस्ट आपको फूडिंग ऑप्शंस ये सब मिल जाएंगे. एंड वॉशरूम्स के लिए यू कैन यूज़ पेट्रोल पम्प्स ऑल्सो, पेट्रोल पम्प्स भी है. एंड जो साई संगीत है इसमें भी वॉशरूम्स काफ़ी अच्छे हैं. बाकी रेस्टोरेंट्स का मुझे उतना पता नहीं है कि वॉशरूम्स के कैसे फैसिलिटीज होंगे, बट एनीवेज डिफ़िकल्टी नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट्स एंड पेट्रोल पम्प्स बहुत ज़्यादा हो गए. बट रूट्स भी काफ़ी अच्छे, एकदम सीनिक रूट्स हैं. बट हाँ, कंपेयर टू बैंगलोर हीट बहुत ज़्यादा है. बट एनीवेज बीच जा रहे, एक्सपेक्ट करना ही है कि थोड़ा सा हीट तो होगा ही ज़्यादा. सो यहाँ पे शो कर रहा है पुदुचेरी 78 किलोमीटर्स. सो फाइनली 360 किलोमीटर्स ट्रैवल करके हम पहुँच गए हैं पांडिचेरी. सो यहाँ हम एंटर कर चुके हैं पांडिचेरी. एंड एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल का है, क्योंकि अब बस वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग बीच देखेंगे, स्पेशली रॉक बीच. सो वी थॉट ऑफ गोइंग टू द रॉक बीच बाई कार, बट अभी इट सीम्स 24 hours इट्स नॉट अलाउड कार लेके आप रॉक बीच नहीं जा सकते, क्योंकि फ्यू ईयर्स बैक जब हम लोग पांडिचेरी गए थे तब डे टाइम में इट वॉज अलाउड कि आप रॉक बीच में कार लेके आप पास कर सकते हो, बट अभी इट्स नॉट अलाउड. सो हम अभी नहीं जा पाए. सो एनी वेज वी डिडंट थिंक ऑफ पार्किंग आर कार ऑल्सो इन द मॉर्निंग, बिकॉज पार्किंग भी अलाउड नहीं है. सो हम लोग डायरेक्टली होम स्टे पहुँच गए. सो नाउ वी हैव रीच्ड होम स्टे एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर होम स्टे. So finally after a long long journey we have reached our homestay. Homestay हम पहुँच चुके थे 3:15 तक homestay. हाँ 3:15 तक homestay पहुँचे. तो हम लोग बहुत tired हो गए थे, तो इसलिए कुछ दिखाया नहीं. तो होम स्टे को हम लोगों ने ऑलरेडी फ़ोन करके बता दिया था कि आज के लिए लंच थोड़ा हमें अरेंज कर दे, तो उन्होंने लंच हमें अरेंज कर दिया. सो अभी गरम गरम लंच हम लोग खाएँगे. सो उसके पहले मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लंच है, क्योंकि होम स्टे तो बहुत अच्छा है. तो होम स्टे का मैं रिव्यू आपको दिखाऊंगी बाद में, बट खाना ये रहा. सो ये है राइस, ये है दाल, दाल फ्राई टाइप का, ये है रसम, दिस इज़ रसम, ये है एक आलू की सब्जी, एंड दिस इज़ गाजर एंड बीन्स, इसके साथ एक गाजर बीन्स के साथ एक सब्जी, एंड ये है पिकल, एंड यहाँ पे है पापड़. सो इनफ है, इनफ है हम लोगों के लिए, इतना सा खाना इज मोर देन इनफ. इतना हम लोगों ने सोचा नहीं था. हम लोग बोला था कि बस थोड़ा सा नॉर्मल कुछ खाना दे दे, बट उन लोगों ने बहुत कुछ दे दिया. ऊपर से उन्होंने जूस भी दिया एंड कर्ड भी दिया. सो नाउ सिंस यू आर वेरी टायर्ड, सो हम लोग अभी फटाफट अपना लंच ख़त्म करके विल टेक सम रेस्ट, एंड उसके बाद इवनिंग में थोड़ा हम लोग रॉक बीच जाएंगे. सो नाउ वी आर रेडी एंड वी आर लीविंग फॉर रॉक बीच. सो हम अभी रॉक बीच में हैं एंड वी आर हैविंग फन, किड्स आर ऑल्सो हैविंग फन, एंड यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे क्रैब्स भी दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, किड्स खेल रहे हैं यहाँ पे.
बट हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अभी फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे बिकॉज़ आज बहुत लंबा जर्नी था. सो मोस्टली ट्रैवल में चला गया. सो वी विल गो बैक टू द होम स्टे एंड टेक सम रेस्ट एंड मे बी फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग विल स्टार्ट आवर डे. So now we are going back to our homestay क्योंकि it's already late and we are very tired. So अभी homestay जाके we'll have our dinner and then from tomorrow we'll start our Pondicherry day. So yes, this was all about day one Pondicherry blocks. If you like this video, please do like and subscribe to this channel and see you on the next video. Bye bye.